हेलो डेयर स्टूडेंट्स हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंफर्ट डिवाइस ठीक है ना तो पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट डिवाइस एंड टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइस ठीक है ना तो टाइप्स में हमने डिस्कस किए थे पिल्लो बेकरेस फुटबोर्ड ट्रोकेट रोल्स हैंड रोल्स एंड बैड बोर्ड्स ठीक है ना तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कंफर्ट डिवाइस ठीक है ना तो पहला क्या है एयर एंड वाटर मैट्रेस ठीक है ना तो जो एयर एंड वाटर मैट्रेस हैं ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रेस हैं इसमें क्या है कि दिज आर फिल्ड विथ वाटर और एयर ठीक है ना विच मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मैटरस टू अदर दस रिड्यूसिंग प्रेशर टू द सेम एरिया ठीक है ना तो जो एयर और वाटर मे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रेस है इसमें क्या कि ये फिल होते हैं विद एयर और वाटर जो मूव होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मैटरस टू अदर पार्ट ठीक है ना उससे क्या है कि रिड्यूस होता है प्रेशर ऑन द सेम एरिया मतलब कि जो बेड रेडन पेशेंट्स होते हैं उनको बेड सोर्स हो जाते हैं प्रेशर अल्सर्स हो जाते हैं ठीक है ना तो उससे प्रिवेंट होने के बचने के लिए कंफर्टेबल डिवाइस यूज करते हैं एयर मेड्रेस और वाटर मेड्रेस ठीक है ना एंड दिज आर ऑल्सो टू इम्प्रूव सर्कुलेशन ठीक है इससे इंप्रूव हो जाती है सर्कुलेशन और प्रिवेंट हो जाते हैं पेशेंट फ्रॉम प्रेशर अल्सर्स और बेड सोर्स ठीक है ना सो so, नेक्स्ट है बेड क्रेडल ठीक है ना तो जो बेड क्रेडल है इज़ अ फ्रेम यूज टू होल्ड द बेड लिन फ्रॉम टचिंग द पेशेंट तो जो बेड बेड क्रेडल है ये फ्रेम जैसा होता है इट अ फ्रेम यू कैन सी हियर बेड क्रेडल मेज अ बेड क्रेडल ठीक है ना तो जो बेड क्रेडल है ये फ्रेम जैसा होता है फ्रेम जैसा होता है ठीक है ना तो इट अ फ्रेम यूज टू होल्ड द इससे क्या है कि इसे क्या हम करते हैं इसे होल्ड होता है बेड लिनन फ्रॉम टचिंग द पेशेंट ठीक है मतलब कि ये अगर कोई बर्न पेशेंट है ठीक है ना उसमें क्या है कि अगर उसको जो बेड लिनन है या क्लॉथ है ठीक है ना बेड क्लॉथ है उससे अगर जो बर्न पेशेंट है उसको टच होगा ठीक है ना तो उसे क्या है कि उसको पेन हो सकती है उसको पेन होती है ठीक है ना या अगर अनकवर्ड बोर्ड है उससे अगर बेड लिनन टच होगा ठीक है ना उसको पेन होते हैं ठीक है ना तो उससे बचने के लिए हम बेड क्रेडल यूज करते हैं ठीक है ना बेड क्लॉथ्स अवे फ्रॉम द इंजर्ड एरिया ठीक है ना तो जो एक क्रेडल होता है ये सेमी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ मेटल होता है ठीक है ना इधर मे बी मेड ऑफ वुड और बैम्बो ठीक है ना तो पर्पज क्या इसके टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ लिनन और एलो टू सर्कुलेट अराउंड लिम्स नेक्स्ट है कार्डिक टेबल तो जो कार्डिक टेबल है बेड टेबल प्लेस इन फ्रंट विद विद्लो ऑन इट जो कार्डिक टेबल है हम प्लेस करते हैं इन फ्रंट बेड के सामने हम प्लेस करते हैं ठीक है ना विद पिल्लो ऑन इट उसके ऊपर हम पिल्लो रखते हैं ठीक है ना पेशेंट के लीन फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट जो पेशेंट है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा ठीक है ना इन फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट ठीक है ना टेबल विदाउट पिल्लो विद्लो जो टेबल है इज यूज फॉर राइटिंग एंड मील्स तो उसको हम यूज करते हैं फॉर राइटिंग एंड मिल्स ठीक है ना यूज फॉर पेशेंट विद कार्डिक कार्डे टेबल है इट इज यूज फॉर पेशेंट्स विद कार्डिक्स्थमा पेशेंस में हम यूज करते हैं कार्डिकस में हम यूज करते हैं कार्डिक टेबल पोजिशन शुड बी चेंज टू लीव फैटी ठीक है ना तो हमने इसमें पोजिशन चेंज करनी है टू लीव फैटी तो पर्पज क्या है इसके पेशेंट के रेस्ट ओवर द टेबल विद हेल्प ऑफ पिलो जो पेशेंट है वो रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिलो और इसका क्या है हेल्प्स टू टेक मील्स एंड इन राइटिंग तो नेक्स्ट है कॉर्टन रिंग्स ठीक है ना तो कॉटन रिंग्स के एज स्मॉल सर्कल्स ऑफ कॉटन रोल्ड विद बंडेज विद इन द मिडल ठीक है ना तो आप इमेज देख सकते हैं कि कॉटन रिंग्स कैसे होती है इट इज ए स्मॉल सर्कल ऑफ कॉटन ये स्मॉल सर्कल होता है ऑफ कॉटन रोल्ड विद्ड विद आर बंडेज विद इन द मिडल ठीक है ना तो इसका यूज क्या है यूज टू तो रिलीव प्रेशर फ्राम द स्मॉल एरिया नेक्स्ट है ट्रेपीज बार बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवर आप देख सकते हैं इधर इमेज बार की ठीक है ना? तो जो बार ये हेड ऑफ द बेड ठीक है bed, तो पर्पज क्या है इसका पेशेंट कैन ग्रेस्प टू रेज द ट्रंक ऑफ द बेड सर्फिस और टू मूव अप इन द बेड ठीक है ना तो इसका पर्पज क्या है इसको ट्रेपीज बार को पकड़ के क्या है कि जो पेशेंट है वो अपनी पोजिशन चेंज करता है मतलब कि अगर वो नीचे गया होगा वो अपने आप को मूव करेगा अपवर्ड ठीक है ना और द ट्रंक ऑफ द बेड सरफेस ठीक है ना तो नेक्स्ट है सैंड बैग्स ठीक है ना तो जो सैंड बैग्स हैं दे आर सैंड विद Sand ना जो सेंड बैग्स होते हैं ये प्लास्टिक बैगस होते हैं जिनमें सैंड होती हैं ठीक है ना तो जो सैंड बैग्स हैं ये हम यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू ट्रोकेटर रोल्स जो ट्रोकेटर रोल्स हमने देखे पहले उसके जो सैंडबैग्स हैं और यूज इन प्लेस ऑफ और एन विद ट्रोकेटर रोल्स उसके बदले हम सैंड भी यूज कर सकते हैं ठीक है ना क्यों जो सैंड बैग्स है ठीक है ना दीज आर फर्म देन ट्रोकेटर रोल्स ठीक है ना क्यों बिकॉज यार वेट आर इजिली मूव हम जो सैंड हम इसको इजिली मूव कर सकते हैं जो ट्रोकेटर रोल्स होते हैं ठीक है ना तो जो सैंड बैग हैं हम यूज करते हैं ठीक है ना टू इमोबलाइज एक्सट्रीमिटीज एंड मेंटेन्सपेफिक बॉडी अलाइनमेंट इट ऑल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी ठीक है side rails. ना नेक्स्ट है साइड रेल्स ठीक है ना साइड रेल्स ऑफ द बार्ज पुशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द लेंग ऑफ द बेड जो साइड रेल्स हैं ये बेड के साइड में होते हैं ठीक है ना और पुशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द लेंग ऑफ द बेड ठीक है ना तो इसके पर्पज़ क्या है एन्शोर द पेशेंट सेफ्टी एंड आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी ठीक है ना तो जो साइड रेल्स हैं ये सेफ्टी होती हैं पेशेंट के लिए एंड आर आल्सो यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी मतलब कि जो पेशेंट होता है पेशेंट को गिर ना सके ठीक है उसके लिए जो साइड रेल्स होती हैं ठीक है ना एंड आल्सो यूज फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी मतलब कि जो पेशेंट है वो साइड रेल्स को पकड़ के अपने जो पोजिशन चेंज कर सकता है ठीक है ना बेड नेक्स्ट side side है नी रेस्ट ठीक है निस इज अ डिवाइस प्लेसड अंडर द नीज टू प्रोवाइड कम्फर्ट तो जो नी रेस्ट है यह हम प्लेस करते हैं अंडर द नीज ठीक है ना टू प्रोवाइड कंफर्ट पर्पज क्या है रिलैक्सेशन ये पेन ये को रिलीव करता है ठीक है ना ऑन द नीज नेक्स्ट है वेज और एबडक्टर पिल्लो तो जो वेज और एबडेक्टर पिल्लो क्या है इट्स अ ट्राइंगुलर शेप्ड पिलो मेड अप ऑफ हेवी फोम जो एबडक्टर पिलो है ये एक ट्राइंगुलर शेप होता है बना हुआ होता हैवी फॉर्म का ठीक है ना तो इसका पर्पज क्या है जो टू मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम आफ्टर उसके बाद हम यूज करते हैं एबडक्टर पिलो इसे क्या है कि जो लेग्स है इन एबडक्शन एबडक्शन में रह जाती हैं ठीक है ना टू मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी ओके थैंक यू